पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आयनिक सॉलिड के बारे में बातें की थी। अब हम एक दो तीन फिनोमेना हैं जो आयनिक सॉलिड से रिलेटेड हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो फिनोमेना है वो है सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। तो सॉल्युबिलिटी पे एमसीक्यूज आते हैं, बड़े कॉमन सी बात है। तो सॉल्युबिलिटी में भी हम लोग इसको ज़्यादा अंदर जाके नहीं बात करेंगे, इसको ट्रिक से देखेंगे ओनली। अपने को बस ऑर्डर निकालना आना चाहिए सॉल्युबिलिटी का और कुछ भी नहीं। हमें पता है केमिस्ट्री हमको बोलती है कि जो जैसा होगा वो उसको वैसा घोलेगा, यानी कि पोलर में पोलर घोलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर घोलेगा, ठीक है। अल्कोहल वाटर में इसलिए घुल जाता है क्योंकि अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल को अगर आप बेंजीन में घोलने जाओगे तो नहीं घुलेगा, क्यों? क्योंकि बेंजीन आपका नॉन पोलर है एंड अल्कोहल कैसा है? पोलर है। तो पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजोल्व नहीं करेगा। नॉन पोलर ओनली अपने आप में नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में आपको याद रखना है स्मॉल का साइज या फिर बिग का साइज, ओके, स्मॉल का साइज या बिग का साइज। अब आपको क्या करना, जो भी ये ऐसे क्वेश्चन देगा और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा और क्वेश्चन नहीं आता, इस एक ही टाइप के एमसीक्यूज आता है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कॉमन कौन है। कॉमन जैसे इसमें कार्बोनेट कॉमन है, देखिए, इसमें OH कॉमन है, देखिए, इसमें सल्फेट कॉमन है, देखिए, कार्बोनेट कॉमन है, OH कॉमन है, Cl कॉमन है, फ्लोरिन कॉमन है, इसमें लिथियम कॉमन था, इसमें फ्लोरिन कॉमन है। तो इस टाइप के आयंस को बोलते हैं कॉमन आयंस, ठीक है। तो कॉमन आयंस अगर आपको पता है, अगर आपने कॉमन आयन के बारे में थोड़ा देख लिया है तो आपका क्वेश्चन निकलेगा। अब कॉमन आयन टू टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉमन आयन स्मॉल हो सकता है या कॉमन आयन बिग हो सकता है। उनके लिए आपको रटना पड़ेगा, या स्मॉल को रट लो, बाकी जितने भी बचेंगे कैसे होंगे? बड़े होंगे। तो Na प्लस स्मॉल कहलाएगा, क्या क्या क्यों कहलाएगा उसको छोड़ो। Na प्लस स्मॉल कहलाएगा, Li प्लस स्मॉल कहलाएगा, OH माइनस, O माइनस टू, F माइनस, सेकेंड एक जितने भी कैटायंस होंगे, और ये हुए, ठीक है ना, इतना तो ये बिना। और सल्फेट और बाइकार्बोनेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट नॉर्मली बड़े होते, बिग होते हैं, ठीक है, नॉर्मली बिग होते हैं सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट, नॉर्मली सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट बिग होते हैं, नॉर्मली सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट बिग होते हैं, बट सेकेंड ए के साथ में, ये सॉरी फर्स्ट ए के साथ में बड़े बन जाते हैं, ठीक है। और बी एक्स दुश्मन है हमारे, याद रखना, बी एक्स दुश्मन है हमारे। तो इसको ट्रिक याद ये सी है कि नाली हो, ओ ये हो गया नाली, नाली मतलब जो गलियों में पानी होते हैं उसी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। नाली है जो ऑफ हो गई, ओ एफ नाली, इनको ऐसे याद किया था मैंने। तो एक आया स्मॉल में सोडियम आता है ना और लिथियम आता है, तो नाली और कैसी हो गई? ऑफ हो गई, ओ माइनस टू एंड एफ माइनस वन ऑफ हो गई है, ओ एच माइनस हो गई है, कहाँ की? सेकेंड ए की, सेकेंड ए की गली नंबर, सेकेंड ए की मतलब सेकेंड ए के जितने भी कैटायन होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मैग्नीशियम, जो सारे वो कैसे कहलाएंगे? स्मॉल कहलाएंगे। और सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट किसके साथ स्मॉल होंगे? फर्स्ट ए के साथ में। और बी एक्स जो हमारे हैं वो दुश्मन है, बस इतना याद रखना है। अब इसको मैंने अगर देखा तो ये मेरे पास ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट कैसा होता है? इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा है? कॉमन आयन बिग है, बिग है। अगर कॉमन आयन बिग है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन आयन अगर हमारा बिग निकल के आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि बिग है तो बिग की साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन लगा दो। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बिग, अब स्मॉल को भूल जाओ क्योंकि कॉमन आयन कैसा है? बिग है। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बिग साइज, मतलब जो जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो इसमें देखो, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आपने देखा जो सबसे छोटा था उसकी, देखो यही तो हुआ ना भाई, सॉल्युबिलिटी स्मॉल वाले को तो भूल जाओ क्योंकि अभी स्मॉल की बात ही नहीं चल रही अपनी, साइज कॉमन आयन तो बिग हो गया, कॉमन आयन बिग हो गया। अब साइड आइटम जो भी हैं, बेरिलियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, और ये बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, इनमें जो छोटा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये वाला ऑर्डर लग गया आपको। और सॉल्युबिलिटी आ गई समझ में? मुझे पता है अगर आपने नोट की है और एक बार देख लोगे तो, नहीं तो फिर ऊपर से जा ही रही है, ठीक है। अब ये बी ई ओ एच है, ये इनमें ऑर्डर निकालना है। अब मैंने देखा कि ओ एच जो है वो स्मॉल है, स्मॉल है, ओ एच कैसा है? स्मॉल है, स्मॉल है। तो अब इसको बड़े बिग वाले को भूल जाओ, अब जो जितना छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा,
तो देख लो, हुआ ना स्मॉल की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना छोटा होगा उसकी उतनी ज्यादा कम होगी, जैसा जैसा साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, तो जो जितना छोटा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, मेरे ये बढ़ रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी आप इजीली निकाल रहे हो। थर्ड एमसीक्यूज हम बात है, थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं। बेरियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैंने कहा था कि सल्फेट नॉर्मली बिग होता है लेकिन फर्स्ट ए के साथ में स्मॉल की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो सी सेकेंड ए के साथ में है, सेकेंड ए के साथ में तो सल्फेट बिग की तरह बिहेव करेगा, बिग की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखो बिग में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो बड़ा कौन है, बेरियम है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सॉल्युबिलिटी आपने इन्वर्सली कर लिया आपने, तो अगर कॉमन आयन आपका बड़ा आ गया तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई सॉल्युबिलिटी। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीसियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या देखो, क्या ये इसमें आता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट कैसा हो गया आपका, बिग हो गया, बिग हो गया तो जिस जो जितना छोट, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तो बिग का ये हो गया आपका, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम सीजियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये सारे आपके ऐसे ही होंगे। अब इसमें कॉमन आयन कौन है, लिथियम कॉमन है, लिथियम कॉमन है, लिथियम इसमें आता है तो कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो सॉल्युबिलिटी के आप ऐसे इजीली ऑर्डर निकाल लोगे आई थिंक। तो ये सॉल्युबिलिटी पे इतना ही वीडियो था, आप क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन, और बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब सॉल्युबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने तब हम करेंगे, और नीट 2016 में एमसीक्यूज आया था सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी रटने लायक टॉपिक है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में बात करूँ रटने लायक है, ये कह रहे हैं जो जितने भी होते हैं ना कौन क्या प्रोडक्ट देता है, आपको पता है ये रिएक्शन तो आपको याद ही होती है, जितने भी कार्बोनेट होंगे मेटल कार्बोनेट होते हैं उनको अगर थर्मल डिकम्पोजिट कराया जाए, उनको हीट किया जाए, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब उसके मेटल ऑक्साइड में, ये मेटल कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होगा, ओके। ये डायरेक्टली आपको पता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो CO2 अलग हो गया और मेटल ऑक्साइड अलग हो गया, ये बात होती है। और अब थर्मल स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर निकालना है तो थर्मल स्टेबिलिटी एक तरह का कैसा है करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है, तो आयनिक करेक्टर हम लोगों ने निकालना सीखा था। आयनिक करेक्टर क्या था हमारा, कि पॉजिटिव के वो फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, हम लोगों ने देखा था, तो इजीली आप इसको इनका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ये कब होता है, जब कॉमन साइन मतलब कॉमन आयन ये वाले हो, कॉमन आयन मल्टी मतलब बहुपरमाणविक हो, ऐसे हो कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, O2-2, O2-1, इस टाइप के होकर, तो आपका आयनिक करेक्टर होता है। तो अगर आपका कॉमन आयन स्मॉल है स्टेबिलिटी में तो स्मॉल वाला मोर स्टेबल होगा, कॉमन आयन स्मॉल है तो स्मॉल वाला मोर स्टेबल, स्मॉल वाला मोर स्टेबल, और कॉमन आयन लार्ज हैं तो लार्ज वाला मोर स्टेबल। अब आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन आयन क्या है, लेकिन ये याद रखना कॉमन आयन अब हम वो सॉल्युबिलिटी वाले काम में नहीं लेंगे यहाँ पर, वो एक कंसेप्ट ओनली सॉल्युबिलिटी तक था, लोग उसको सॉल्युबिलिटी वाले को यहाँ रिलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, वो केवल कॉमन आयन बिग एंड स्मॉल सॉल्युबिलिटी के लिए थे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, कॉमन आयन कैसा है ये देखो, सल्फेट कैसा है इसके अकॉर्डिंग ये बिग में आता है, मल्टीपल में आता है, बहुपरमाणिक में आता है, तो अगर कॉमन आयन लार्ज हैं तो जो 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 लार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ रही है वैसे वैसे स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो रही है। नाइट्रेट, नाइट्रेट कैसा है, नाइट्रेट भी तो NO3 भी क्या है, मल्टीपल वाला है, मल्टीपल वाला है तो NO3 बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेंगे, साइज जो ज़्यादा होगा, साइज जिसका बड़ा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में इस साइड साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए लिथियम सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह इनकी स्टेबिलिटी, ये बात होगी, ठीक है ना। तो ये बड़े इजीली से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉमन आयन अगर बिग है, लेकिन याद रखना कॉमन आयन वो वाले काम में नहीं ले रहे हैं, कॉमन आयन हम लोग ये ले रहे हैं कल अलग से, अगर ये आ जाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन लार्ज हो जाता है, और लार्ज होते ही हम लोग जो लार्ज वाला होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बता देते हैं,
इनके अलावा कोई आता है तो हम कहते हैं कॉमन आयन स्मॉल है, स्मॉल है तो स्मॉल वाले का लार्ज स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की जो अपने को लर्न करनी होती है पी ब्लॉक के लिए। इस ये रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है, तो क्या देगा हीट करने पर? मेटल ऑक्साइड एंड CO2 देगा। जिंक ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड एंड CO2 देगा। अब ये देखिए, ये तो क्या था आपका? मेटल कार्बोनेट था, तो इसने क्या दिया? मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट दिया। ओके, लेकिन ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड देंगे, तो इसने एक और CO2 दिया, और क्या देते हैं? वाटर देते हैं, है ना। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, ये लिख रखा है कि मेटल कार्बोनेट होते हैं वो मेटल ऑक्साइड देंगे, और CO2 देंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं MOH, वो मेटल ऑक्साइड देते हैं एंड वाटर देते हैं। बाई कार्बोनेट होते हैं, वो कार्बोनेट देते हैं और कार्बो CO2 देते हैं और वाटर देते हैं। ये रिएक्शन अगर याद है आपको, तीन रिएक्शंस इजीली बता देंगे, ठीक है। और तो आप ये क्या है कार्बोनेट, मतलब इजीली बता सकते हैं। ये मेटल कार्बोनेट है, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में क्या देगा? ऑक्साइड देगा और CO2 देगा। मतलब ये रिएक्शंस अगर आपको, ये वाली अगर आप लिख लेते हो, याद कर लेते हो इन चीज़ों को, ये वाली ये पॉइंट्स, तो आपको इजीली आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। ये वाली रिएक्शन आप इजीली लिख पाओगे इतनी सारी।